अस्सलामुअलैकुम। अभी रात के 2:12 है और मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्विस क्रीम के आइसक्रीम मंगाए हैं। इसमें अभी हम लोग स्विगी में चेक कर रहे थे तो यहाँ ये डिलीवर कर रहे थे आइसक्रीम मिल्क शेक और वेफल्स। तो यहाँ एक चॉकलेट मिल्क शेक हम लोग ऑर्डर किए हैं स्विस क्रीम का। और बताती हूँ, मैं मेरे लिए आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, ऐसे ही रात में सो रहे थे तो हस्बैंड बोल रहे थे आइसक्रीम खाना है, तो हम बोले हाँ। तो मेरे लिए ये आइसक्रीम ऑर्डर किए हैं। ये है काजू का आइसक्रीम। तो चलिए अब इसको हम खा के बताते हैं। और इसके साथ क्या दिया है, हाँ ये चॉकलेट, हॉट चॉकलेट दिया है, ये गर्मा गर्म है, इसको इसमें डाल के खाना है। और ये है स्विस क्रीम का आइसक्रीम। आपको मैं बिल बता देती हूँ। यहाँ पे कैशू फज चॉकलेट है, कैशू फज आइसक्रीम एक है और ये, और 40% हमें डिस्काउंट मिला। और इसका पेमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन हम कर चुके थे, 300 चेंज या कुछ हुआ था, तो इसलिए पेमेंट का बिल नहीं डाला है, बस डिलीवरी पासकोड और ये दे दिया है। तो घर बैठे आइसक्रीम आपको मिल जाता है। और ये है स्विस क्रीम। और इसका एड्रेस तो बेंगलुरु में पाइलेओर महादेवपुरा शांति नगर सब बताया गया है ऑर्डर नो, तो स्विगी से हम ऑर्डर किए थे। चलिए अब इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। देखिए ये है चॉकलेट मिल्क शेक। अच्छा, अभी मैं एक प्लेट लेकर आ रही हूँ, इसको मैं प्लेट में रखूँगी और खा। ये है मेरा चेयर, मुझे बैक पेन है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी, रात हो गई है, पूरा लाइट ऑन है, तो कहीं से तो एक चूहा आ गया है जो मेरे हस्बैंड डरा रहे थे मुझे कि चूहा, तो मैं चुपके से। तो चलिए मैं यहाँ पर हूँ, 2:15 है और मैं अभी खाना खा रही हूँ। तो आई एम सो सॉरी, खाना नहीं, मैं अभी आइसक्रीम खाऊंगी और आपको बताऊंगी ये कैसा है। और एक स्ट्रॉ भी दिया है उसके साथ और टिश्यू पेपर दिया है। चलिए करते हैं। मुझे भी कमेंट्स में बताना कि आप भी इसी तरह रात में कभी कुछ खाने का मन कर दिया तो आप भी हम लोग जोमेटो से ऑर्डर किए हैं, सॉरी स्विगी से नहीं। आपको भी मन करता है तो आप रात में इसे खाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। चलिए मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ, अब ये ओपन करूँगी। चलिए अब मैं इसको ओपन की हूँ, अब इसको इसमें मिला के खाना है। ये है हॉट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, क्रीम लेयर, इसमें इस तरह से डालना। और ये रहा काजू के साथ, इसको मिला के इस तरह से खाना है। और ये है बेल्जियम चॉकलेट मिल्क शेक, बड़ा थिक मिल्क शेक है, इसको भी मैं पी के आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा है, इसके अंदर इसने चोको चिप्स भी डाल रखा है। अगर आपको भी रात में कहीं से भी ऑर्डर करना है तो आप ये स्विस क्रीम का ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखिए नहीं मिलता इसमें तुम्हें, बहुत अच्छा है ये भी। ये मेरे हस्बैंड ऑर्डर किए थे और मैं ही पी लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए मैं आइसक्रीम जल्दी से खाती हूँ वरना ये पिघल जाएगी। और सिर्फ सिरप के साथ ही ये आइसक्रीम अच्छा लगता है, विदाउट दिस सिरप ये चॉकलेट ये खाना आइसक्रीम टेस्टी नहीं लगता है। ये नया ब्रांड है स्विस क्रीम आइसक्रीम का। ये थोड़ा सा कॉर्नर हाउस आइसक्रीम, जो बैंगलोर में फेमस कॉर्नर आइसक्रीम का शॉप है कॉर्नर हाउस, उस तरह का बनाने की कोशिश किया है। नॉट बैड, इट इज़ गुड, पर ये सिर्फ बहुत कम दिया है, कॉर्नर हाउस में और बढ़ा देते हैं। काजू कम दिया, काजू भी कम दिया है, वैसे दाम ये 190 का है और हमें कॉर्नर हाउस में 220 का मिलता है, पर बहुत ज़्यादा चॉकलेट सिरप मिलता है।
और काजू भी बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ, थोड़ा क्वांटिटी कम है पर नॉट बैड। अगर तुम्हें आपको ट्राई करना है तो आप लोग भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, नॉनजू भी करा सकते हैं। तो ये बैग तो मैं रखूँगी, फिर से नेक्स्ट डे मुझे ऑर्डर करना है तो ज़रूर करूँगी। और मेरे हस्बैंड का ये है, ऑलमोस्ट मैं पी रही हूँ। तो रात में आइसक्रीम हमेशा नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम तो हानिकारक होता है, पर अगर आपको रात में कभी भी मन किया दोस्तों ऑलवेज कभी कभी आप ऑर्डर करके खा सकते हैं। ये देखिए और ये चॉकलेट सिरप के साथ ही ये आइसक्रीम अच्छी लगती है और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। कमेंट में आप जरूर बताना अगर आपको भी आइसक्रीम खाने का मन करता है रात में तो आप कहाँ से कौन से आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम मंगाते हैं। लास्ट वाला चॉकलेट वाला भर का मेरा हस्बैंड इलाज सिख दे रहे हैं। देख सकते हैं मेरे हस्बैंड मेरे को ऐसे जल्दी जल्दी खा रहे हैं और मुझे थोड़ा सा जूस दे दिए हैं। तो आप भी ऑर्डर करना, खाना मुझे बताना। स्विस क्रीम आइसक्रीम स्माइल एवरी बाइट आप से देख सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही, मैं ये ख़त्म करती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। रात के 2:30 होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय।